टू माई चैनल। मैं हूँ आप सबकी एकता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से सामने आप लोगों के क्यों बैठी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे आप लोगों को तो पता तो चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, आज फेशियल एट होम होने वाला है। जी हाँ, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो पार्लर जाना पसंद करती हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से निकल नहीं पाती घरों से। यार हैक्टिक तो लगता ही है, क्योंकि पार्लर में जाओ, अपॉइंटमेंट लो, फिर वहाँ जाके वेट करो, और तो और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब हम पार्लर से सब कुछ करा के लौट भी रही होती है ना, तो अपना वॉलेट देखने के बाद लगता है कि यार कहाँ गए इतने पैसे, क्यों कर दिया ऐसा, मैंने नहीं करना चाहिए था, ये ज़रूरी था क्या। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और यार पैसा लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा तो ले ही लेते हैं पार्लर में, सैलून में एक्स्ट्रा पैसा लेते ही हैं, क्योंकि हम लोग होते हैं जो ऐसा लगता है कि नहीं अरे चलो घर पे नहीं हो पा रहा है, बाहर जाके हम करवा लेंगे, वहाँ पे हो पाएगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ें कम चीज़ों में, कम टाइम में, कम पैसे में अगर हमारे साथ हम घर में थोड़ा टाइम, थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल लें, तो इसमें गलत नहीं है। अगर हम सबके लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालना चाहिए ना। तो चलिए, बातें हम जब कर ही रहे हैं स्किन के बारे में, तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो मानसून चल रहा है, तो स्किन को तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से कभी पिंपल्स आ जाते हैं, कभी ईचिंग होने लगती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं औरतों को, लड़कियों को, बहुत सारे लोगों को हो जाती हैं, मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल तो जो टाइम चल रहा है ना, जितनी गर्मी है ना, उसमें तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है स्किन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो तीन, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और करना चाहिए आप लोगों को। मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, तो इसलिए आप लोगों को करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सुबह मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं, आप ब्रश कर रहे होते हैं, फ्रेश होते हैं, तभी आपको अच्छे से ठंडे पानी से, गुनगुना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा चिल्ड पानी, आपको ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है डेली, अच्छे से सुबह उठते ही ना, बहुत अच्छे से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है। अगर आप फेस वॉश कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, वरना आप ठंडे पानी से भी सिंपली अपने फेस को अच्छे से धो लें, ज़रूरी। और टाइम टू टाइम अपनी बेडशीट चेंज करें, टाइम टू टाइम अपना पिलो कवर चेंज करें, अपना टॉवल चेंज करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ही ज़्यादा ग्लोई स्किन होगी आपकी। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ पानी से रिलेट कर रहा है, ये तो हर कोई कर सकता है। और कभी कभी तो थोड़ा बहुत होता है ना, कि जैसे हम कभी कभी रात में या फिर डिनर में हमने कुछ ऐसा ले लिया जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब कि एलर्जी हो गई उससे हमें, या फिर कोई ऐसी हैवी चीज़ हमने खा ली जो उसका रिएक्शन हमें अर्ली मॉर्निंग पिम्पल्स के साथ दिखता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे पिम्पल्स आ गए, अरे सुबह उठते ही पता नहीं कहाँ से फेस पे दाने ही दाने दिखाई देने लगे, ऐसी सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आप पानी से बच सकते हो। पानी जितना ज़्यादा पियो, जितना ज़्यादा उसको अच्छे से यूज़ करो फेस पे, मॉर्निंग में यूज़ करो, और सोने से पहले तो फेस वॉश करके ही सोएं। मुझे लगता है इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यार अगर आप एक देख लो, घर में अगर आप डस्टिंग करने जाते हो, तो किसी भी कांच के टेबल पे या फिर कहीं भी आप जाओ, कहीं भी ऐसे उंगली करो तो धूल निकल आती है, डेली आप कर रहे हो फिर भी, तो जाहिर सी बात है हम बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे स्किन पे कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा होती होगी, कितना ज़्यादा दर्द होता होगा फेस पे। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़रूरी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, सब कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी तो आज फेशियल कैसे करने वाले हैं वैसे ही मैं आप लोगों को बताने ही वाली हूँ, बस ईजिली 4 से 5 स्टेप करने हैं आपको, और इजिली आप फेस वॉश कर सकते हो, अपने स्किन को ग्लोवी बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो। देखिए हम सबके लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरी है कि हम खुद के लिए भी टाइम निकालें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जो भी मैं प्रोसेस करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इस किट के बारे में, मैं यहाँ पर बी एल सी सी का पपाया फेशियल
किट यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छा होता है। इसमें पूरे पूरे पांच पांच सैशेज मिलते हैं आपको, फाइव फाइव सैशे मिल जाते हैं पूरे। और मुझे ऐसा लगता है ना, सच बताऊँ, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं जब करती हूँ ना, आप 10 बार फेशियल कर सकते हो, सीरियसली 10 बार आप फेशियल कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना पूरे पूरे पाँच पाँच सैशेज मिलते हैं और एक सैशेज में इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी होती है ना कि आप 2 बार कर सकते हो, 2 बार फेशियल कर सकते हो। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, जो भी स्टेप्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, जो आप लोगों की। सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, वैसे मेरे फेस पे अभी कुछ नहीं है, मैंने अच्छे से फेस वॉश किया था, लेकिन फिर भी मैं वेट वाइप से इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, फिर से वापस से। मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये स्क्रब यूज कर रही हूँ। अब आपको पानी के 3 से 4 ड्रॉप्स लेने हैं और फिर इसको अच्छे से रब करना है, स्टार्ट करना है। जब भी आप रब करो तो फिंगर का यूज करना चाहिए और बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ, लाइट प्रेशर के साथ और हमेशा अंदर की तरफ। बहुत लाइट प्रेशर देना है आपको। अक्सर हमें रिंकल्स यहां आते हैं, यहां आते हैं, यहां आते हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा यू करना होता है। मैं आपको बता दूं, स्क्रबिंग जो होती है वो हमारे डेड स्किन को रिमूव करती है। आई पे हमेशा एकदम लाइट प्रेशर के साथ यूं करना है आपको। यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देना है आपको। हमारे फेस के कुछ पॉइंट्स होते हैं फेशियल में, बस उन्हीं का ध्यान देना है। नोज पर हमारे ब्लैक हेड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो आप उसे अच्छे से उसको भी। अब हम अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगी मसाज जेल, इससे हमें अपने फेस को अच्छे से मसाज करना है। आपको राउंड एंड राउंड ऐसे ही अंदर की तरफ लेते हुए जाना है। सीरियसली बहुत ठंडा लग रहा है ना, मुझे ये वाला फेशियल जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है, सीरियसली गाइस बहुत पसंद है। आपको इस जेल को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना है, इसको आपको मसाज करते करते अपनी पूरी स्किन में ना, कहते हैं ना, अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ऐसा करना है। मेरे तो देखिए पूरी तरीके से स्किन में ही अब्जॉर्ब हो चुका है, पूरी तरीके से हो चुका है। थर्ड मैं यहाँ पर यूज करूंगी फेस क्रीम, इससे आपको जेंटली मसाज करना है। अब आपको लेना है पानी का 4-5 ड्रॉप और सेंट्रली शुरू करना है मसाज।
आपको बार बार ऐसे ही पानी के ड्रॉप्स अपने हाथ पे लेते रहना है, स्किन सूखनी नहीं चाहिए। अब आपको यूज करना है न्यू, आपको ये न्यू यहाँ हल्का सा प्रेशर देना अपने अंडर आई रे, यहाँ की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है फिर से। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे फेस पैक। इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अपने फिंगर से, ब्रश से आप करना चाहो तो उससे भी कर लो, अगर आपको लगता है कि आप चारों तरफ फेस को बराबर नहीं कर पा रहे तो आप ब्रश का यूज भी कर सकते हो। फेस कितना ठंडा हो रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसको मुझे ड्राई करते, मतलब जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब तक हमें इसको छोड़ देना है। जब तक हमारा फेस पैक अच्छे से सूख रहा है तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर जिनको ब्लैक हेड्स की, वाइट हेड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उनको बोलूँगी जब भी आप स्क्रब करते हो तो स्क्रब करने के बाद स्क्रब अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करने के बाद, अप्लाई करने के बाद स्क्रब को रिमूव मत कीजिए। आप अच्छे से 10 से 15 मिनट अच्छे से स्टीम कीजिए, स्टीम लीजिए अपने फेस को। आप अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, नहीं है अगर तो आप ऐसे ही पानी गर्म कर लीजिए किसी चीज़ में और टॉवल डाल के अच्छे से अपने फेस को स्टीम कीजिए। उससे भी आपके जो पोर्स होते हैं फेस के वो खुल जाते हैं, और पोर्स खुल जाते हैं ना तो ईजिली आप लोग वाइट हेड्स को, ब्लैक हेड्स को अच्छे से रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास रिमूवर है तो ठीक है, रिमूवर पिंस आती हैं मार्केट में अच्छे से, आप जाके ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है तो आपकी सेफ्टी पिन होती होगी, सेफ्टी पिन का जो पीछे का हिस्सा होता है ना जिसमें राउंड सा बना होता है, आप उससे भी अच्छे से अपने स्किन को टाइट कीजिए, और टाइट करने के बाद हल्का सा प्रेशर दे दे के रिमूव करने की कोशिश कीजिए तो आपके सारे वाइट हेड्स, डेड हेड्स अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद लास्ट एंड लास्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सीरम। ये सीरम मुझे इसी किट के साथ रिसीव हुआ था। अगर आप लोग को किसी भी किट के साथ सीरम नहीं मिलता है तो आप लोग अपना कोई सीरम, या फिर सीरम नहीं है तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आपको हल्का सा लीफ पे टैप टैप करके पूरे फेस पे, मैंने यहाँ सीरम भी अप्लाई कर लिया है। तो ये थे बहुत ही इजी स्टेप्स जिन्हें करके आप घर पे फेशियल कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की कि ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो चार चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपने ये फेशियल किया हुआ है आप कोई भी फेस वॉश 3 से 4 दिन तक यूज़ नहीं करेंगे। आप जब भी फेस को अपने वॉश करेंगे, पानी से वॉश करेंगे, या फिर आपके घर में वेट वाइप्स हो तो आप उससे फेस को क्लीन कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, धूप में तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है 3 दिन। 3 दिन तक धूप से खुद के फेस को बिल्कुल बचाना है, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं ना वो जगती हैं। वो अचानक से जब फेशियल होते हैं, डेड स्किन निकलती है, तो वो सेल्स जो होती हैं ना वो फ्रेश होती हैं, तो इन सब चीज़ों से वो हार्श हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, तो और ज़्यादा ग्लो आ सकता है, चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अच्छे ग्लो आने के। और आपको अगर आप फेस वैक्स करवाते हो या फिर आप रेज़र से अपने फेस को रिमूव करते हो, जो भी आपके हेयर है, तो वो सब बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। ब्लीच आपको आपके फेस को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको हैं जो आपको अवॉइड करनी है।
इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए, वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा हो भी गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, जिससे आपको हेल्प हो सकती है और शायद हो भी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। बाय बाय।